हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल के स्क्रीन पर जो बार बार ऐड आते हैं, इसे कैसे बंद करना है। तो दोस्तों, खासकर ये प्रॉब्लम एमआई और रेडमी के हैंडसेट्स पे ज़्यादा आ रहे हैं। मेरे भी मोबाइल पर ये प्रॉब्लम आ रहा था, पर अभी इस वक्त ऐड नहीं आ रहा है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन अगर आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर बार बार ऐड आता है और आप इससे परेशान हो रहे हैं और बंद करना चाह रहे हैं और बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंटरनेट गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो ऐड आ रहे हैं, इसे कैसे बंद करना है। तो दोस्तों, सिंपली इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद में देखिए, यहाँ पर आपको दिया है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पर दिया पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको आना है स्क्रॉल करके नीचे। यहाँ पर दिया हुआ है ऑथोराइजेशन एंड रिवोकेशन, तो ये ऑथोराइजेशन और रिवोकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको करना है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एमसीए। ये MCA का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसको आपको करना है ऑफ। इसको ऑफ करना है। ये कुछ सेकंड का समय मांगेगा आपसे, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। रिवोकिंग ऑथोराइजेशन कह रहा है और आपको इसको रिवोकिंग कर देना है। ये करने के बाद, MCA को ऑफ करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे पर देखिए, यहाँ पर दिया गेट ऐप। यहाँ पर देखिए गेट एप्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसे भी आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पर भी आपको रिवोकिंग ऑथोराइजेशन कह रहा है, थोड़ा सा वेट करना है 5 सेकंड 4 सेकंड का। और इसको भी आपको रिवोकिंग कर देना है। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद में सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको आकर के सर्च वाले बार पे आपको सर्च करना है यूजर। यहाँ पर आपको सर्च करना है यूजर। यूजर वाले ऑप्शन में आने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया एनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स, ठीक है दोस्तों। ये इस प्रोग्राम्स में जो दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे आना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अनरोल इन यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम, तो इसको आपको करना है ऑफ। इसके बाद में आपको यूजेस एंड डायग्नोस्टिक्स पे क्लिक करना है और इसको भी आपको ऑफ करना है। ये ऑफ करने के बाद बैक आइए। बैक आने के बाद में फिर आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में, यहाँ ऐड सर्विस, ऐड सर्विस पे क्लिक करना है और इसको भी आपको ऑफ करना है, ठीक है दोस्तों। ये सेकेंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने पासवर्ड सर्च पे किया, अभी सेकंड स्टेप में आपने डायग्नोस्टिक्स पे किया। अभी फिर से आपको यहाँ से बाहर निकलना है। फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद में आपको यहाँ फिर से सर्च करना है एप्स। एप्स सर्च करना है। एप्स सर्च करने के बाद में दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये आगे एप्स, गेट एप्स पे आपको क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके देखिए, यहाँ पर आपको देखना है गेट एप्स। ये आ गया गेट एप्स, ये गेट एप्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको करना है क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा करना है और क्लियर एसएस भी करना है, ठीक है। इसको आप क्लियर ऑल डाटा कर दीजिए और आपको इस पर नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। ठीक है दोस्तों, गेट एप्स के नोटिफिकेशन और क्लियर डाटा करने के बाद में आपको ऐप्स में ढूंढना है कि इसमें एमआई की कंपनी के जो भी एप्लीकेशन है उसको आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। जैसे कि आप दिया हुआ एमआई डॉक्यूमेंट, एमआई पे वगैरह, तो जो भी है इसकी नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको फिर से बैक आ जाना है। फिर से आपको सर्च करना है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट, ठीक है। इस पे
क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर दिया ग्लेंस और एमआई, ग्लेंस प्रो एमआई पे आपको क्लिक करना है और इसको करना है ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी रीजन डाल दीजिएगा, व्हाई यू आर टर्निंग ऑफ दिस फीचर, तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सारे सेटिंग्स आप कर लीजिएगा, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर जो भी एड्स वगैरह आते थे वो अब नहीं आएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।